दोस्तों, ये वीडियो प्रेरणा पोर्टल से संबंधित है। यहाँ पर प्रेरणा पोर्टल पर आप कंपोजिट ग्रांट्स DCF 2023-24 को कैसे फिल करेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले prerna.up.in पर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद में जैसे ये ऊपर आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और इसमें क्या करेंगे, आप सबसे नीचे आएंगे और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ मिल जाएगा कंपोजिट ग्रांट DCF 2023-24। तो यहाँ से आपको कंपोजिट ग्रांट DCF को फिल करना है। तो इस लाइन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कहाँ पर लेके जाएगा, इस पेज पर लेके जाएगा जहाँ से आपको कंपोजिट ग्रांट को फिल करना है। तो यहाँ पर हमारे केस में हमारे विद्यालय में 25,000 रुपये कंपोजिट ग्रांट के तौर पर आए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रिसीव्ड अमाउंट ऑलरेडी अपने आप यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में चलते हैं नीचे, यहाँ पर कितना खर्च आपने किया उस अमाउंट को यहाँ पर एंटर करिएगा। उसके बाद में एक एक पॉइंट को यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट दिया गया है उसको समझते हैं। यहाँ पर जो टोटल एंट्री हमें करनी है वो टोटल एंट्री आपको जो करनी है वो देख पा रहे हैं 28 एंट्री 28। तो 28 पॉइंट्स में हमें पूरा अपने विद्यालय का कंपोजिट ग्रांट जो भी आया हुआ है उसको भरना है। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो इसमें हम सिर्फ समझाने वाले हैं किस प्रकार से आपको इस पर काम करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहला पॉइंट है सैनिटेशन प्रोग्राम, स्वच्छ अभियान। सॉप जैसे कि साबुन है, फिनाइल है, ब्लीचिंग है, बकेट, डस्टबिन, ब्रूम, टॉयलेट ब्रश, टॉयलेट क्लीनर, नेल कटर, ये चीज़ें जो भी खर्चा इसके लिए आया है यहाँ से आएंगे। और यहाँ पर वर्क स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करेंगे यस या नो। आपने यदि ख़रीदा है तो यहाँ पर यस कर देंगे, यदि आपने नहीं ख़रीदा है तो यहाँ पर आप 0 एंट्री आगे कुछ भी एंट्री नहीं भर पाएंगे, कोई भी अमाउंट नहीं भर पाएंगे। और यदि आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पर आप रुपया भरेंगे जितने रुपये आपने इस पर खर्च किए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट बिल वाउचर, उसका बिल आपको लगाना होगा। यहाँ से सिलेक्ट करके अपने मोबाइल से पहले अमाउंट भरना होगा। मान के चलिएगा चलो हमको एक अमाउंट यहाँ पर डाल देते हैं, कोई भी उदाहरण के तौर पर मान लिया कि इसमें हमारे 2,000 रुपये खर्च हुए हैं, तो इसका अमाउंट हमने फिल कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर हम आएंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, यहाँ पर बिल वाउचर को आपको मोबाइल के माध्यम से या तो डायरेक्ट कैमरा का यूज करके यहाँ से आप खोल सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप सीधे ये जो फाइल्स दी गई वहाँ पर पहले से बिल का आप फोटो रखिएगा तो उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में वर्क फ़ोटो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर इस पर वर्क फ़ोटो का मतलब है कि जो भी आपका यूज हुआ है सामान, या जैसे यहाँ पर ये सामान लाए हैं तो उसका यहाँ से आप क्लिक करेंगे, फ़ोटो लिख देंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद में वाउचर व्यू, यहाँ पर जो आपने अपलोड किया है यहाँ से आप व्यू वाउचर कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमने डाली है वो सही जगह पड़ी या नहीं। उसी प्रकार से वर्क फ़ोटो भी यहाँ से व्यू आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको सभी पॉइंट्स भरने हैं। ये उदाहरण के तौर पर एक पॉइंट था। दूसरा आपका मेंटेनेंस वर्क, तो मेंटेनेंस वर्क में आपने कितने रुपए का काम करवाया है तो उसके लिए ये है। तो यहाँ से आपने यदि करवाया है तो यस, यदि आप यहाँ पर नो कर देते हैं तो यहाँ पर पीछे कोई भी एंट्री आपको नहीं करनी पड़ेगी। और यदि आपने मेंटेनेंस वर्क करवाया है तो यहाँ से आप यस करिएगा, कितने रुपए इसमें खर्च हुए यहाँ पर एंट्री दीजिएगा, खर्चे का एंट्री यहाँ पर करना होगा। और इसके बाद में यहाँ पर चूज फाइल, उसका बिल वाउचर लगाना होगा। और बिल के बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा यहाँ पर आपको जो काम आपने करवाया है उसकी फ़ोटो लगानी होगी, यानी कि आपके बिल तो लगाना ही, साथ ही इसका जो यूज आपने किया है उसको भी आपको एंट्री करनी होगी। तो इसी प्रकार से ये 28 पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे कोई भी समस्या यदि बनती है तो उसके लिए हम लोग डिटेल जान लेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है वाइट वाशिंग, यानी कि जो सफ़ेदी कराई जाती है विद्यालयों की जो पुताई होती है उसके बारे में है। इसके बाद में वॉल पेंटिंग, स्लोगन वगैरह इन्फॉर्मेशन को यदि सूचना लिखी जाती है तो वॉल पेंटिंग, उसकी फ़ोटो और उसका बिल वाउचर लगाना होगा। फर्स्ट एड किट जो मेडिकल के लिए, इनकी जो फर्स्ट एड किट जो छोटी मोटी दवाइयां विद्यालय में रखी जाती हैं उसके लिए है। उसके बाद में फाइटर फाइटिंग सिस्टम्स, नेक्स्ट स्टेशनरी और ऑफिस इक्विपमेंट, नेक्स्ट कारपेट्स, मैट्स, रेडियो प्रोग्राम, मीना मंच, जन पहल, आओ सीखें इंग्लिश। इसके बाद में इंटरनेट बिल को यदि यूज किया गया है, रिपेयरिंग ऑफ इंटरनल
वॉशिंग एंड इक्विपमेंट्स, कल्चरल इवेंट्स, जनरल मटेरियल, चेयर टेबल, गिलास, मिरर, टावल, बुलेटिन। इसके बाद हॉर्टिकल्चर से संबंधित किट कोई भी यदि खरीदी है, टीचर लर्निंग मटेरियल TLM कोई खरीदा है, मटेरियल फॉर डिसेबल स्टूडेंट्स, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अदर्स, मल्टीपल हैंड वॉशिंग, पाइप्ड वाटर सप्लाई, वाटर टैंक, और इसके बाद समर्सिबल पंप इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग ऑफ टॉयलेट यूरिनल, रिपेयरिंग ऑफ ब्लैकबोर्ड, रिपेयरिंग ऑफ डोर्स विंडोज, रिपेयरिंग ऑफ रूफ वॉल फ्लोर एंड प्लास्टर ETC। इसके बाद में इलेक्ट्रिक कनेक्शन यदि लिया है उससे संबंधित कोई खर्चा किया, ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स, टोटल एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल ईयर, जो भी खर्चा किया है आपने उसका आपको यहाँ पर दर्शाना होगा। ये टोटल जब आप दर्शा देंगे यहाँ पर अमाउंट टोटल अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी लास्ट पॉइंट 28 में नहीं दर्शाना है, आपको 27 पॉइंट तक एंट्री देनी है। उसके बाद में सेव बटन पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो यहाँ से सक्सेसफुली आपका जो DCF है, स्कूल में जो पैसे आते हैं DCF भरने के लिए, DCF का सामान खरीदने के लिए, उसको आप एंट्री आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से आप आसानी से अपने विद्यालय की DCF को भर पाएंगे। यदि फिर भी कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।